मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी सुविचार के साथ मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल ही चुका है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वे मार्च से स्टार्ट होने वाली है। कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो 3 मार्च से और कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वे 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। अब आपके पास लगभग 30 से 35 दिन परीक्षा की तैयारी के लिए रह जाते हैं। अब इन बचे हुए 30 से 35 दिनों में हम कैसे अच्छे से अच्छे तैयारी करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण हो सके, इन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आज यहां पर आया हुआ हूं। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब बचे हुए 30 से 35 दिनों में हमें जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, एकदम फुल्ली एकदम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, अपने आप को एकदम तैयारी में लगा देना पड़ेगा। तो बच्चों, आपकी तैयारी कराने के लिए हमारी अभिप्सा टीम भी जुड़ चुकी है। अगर आप टेंशन में हो तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी अभिप्सा टीम ने आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर एक ऐसा सेशन चलाने जा रही है जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका और साथ में उनसे जुड़कर आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे। तो बस आप हम लोगों से जुड़ जाइए और इस सेशन का आनंद उठाते रहिए। तो चलिए, आज की इस क्लास में मैं आपको यह बता देता हूं कि हम इस सेशन में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, तो यहां पर आपको सुंदर सा सजाया गया एक पोस्टर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर मैं आपको सबसे ऊपर दिखाना चाहूंगा, लिखा हुआ है एग्जाम सीरीज मिशन 2023, जहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, विशेष करके कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाली है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभिप्सा के साथ करना है, इस बार परीक्षा पार करना है, ठीक है। अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि हम इस सेशन में आपको क्या क्या देने वाले हैं। तो चलिए इस सर्कल को हम समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ब्लू प्रिंट वाइज क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, जहां पर हम बात करेंगे ब्लू प्रिंट वाइज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ब्लू प्रिंट क्या होते हैं, ब्लू प्रिंट हम कैसे समझना है, इस चीज के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, बिना किसी स्किप के आप उसको देखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जहां पर मैं आपको पिछले 4 से 5 साल में पूछे गए सारे क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस, मतलब कि जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर के अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे, आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। फिर क्या मिलेंगे, IMP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। वैसे जो जो मैं यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनमें से अगर सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपके पूरे में पूरे अंक आने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही सेशन में मिलने वाले हैं। तो हमारा मिशन का नाम क्या है, मिशन 2023, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्लूप्रिंट के बारे में, ठीक है। तो आ जाइए ब्लूप्रिंट। देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है सीजी बोर्ड एग्जाम सीरीज मिशन 2023, यहां पर लिखा है कक्षा 10वीं विषय गणित का। तो कक्षा 10वीं विषय गणित का आज मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होते हैं, कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ब्लूप्रिंट को क्यों बता रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है, आप सीधा क्वेश्चन कराइए ना। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ऐसा करते हो तो गलत करते हो। भाई, आप कहीं पर जाते हो, मान लो आपको कहीं जाना है, आपको कहीं अनजान जगह पर जाना है, तो आप क्या करते हो, पहले रास्ते का चयन करते हो ना कि मैं किस रास्ते से चलूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं और वो रास्ता भी सही हो। तो इसी तरह से आपको अगर सफल होना है, जल्दी से जल्दी सफल होना, अच्छे अंक लाना है, तो सबसे पहले आपको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा, रास्ता को समझना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते में चलना है। और यही जो रास्ता बताने का काम करती है ना, वो कौन करते हैं, ब्लू प्रिंट करता है। तो ब्लू प्रिंट एक प्रकार से मार्गदर्शक है जो हमें यह बताता है कि हमें किस रास्ते में चलना है ताकि हम जल्दी से जल्दी सफल हो सके। तो चलिए, कक्षा 10वीं विषय गणित के मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको दिखने वाला है एक चार्ट,
सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ब्लू प्रिंट हाई स्कूल कक्षा दसवीं, और ये कौन से विषय के लिए? विषय गणित के लिए है, और उस गणित विषय का कोड क्या है? 100। इसी तरह के बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, सबको अलग अलग आपको ब्लू प्रिंट मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने बच्चों दो स्लाइड में लिया हुआ है, ठीक है, एक स्लाइड में बहुत ज्यादा हो जाता है, तुम इसको दो स्लाइड में बांट दिए हैं। पहले स्लाइड में आपको यहां पर 5 यूनिट देखने के लिए मिलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको 3 यूनिट और देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अब इसको समझते हैं। अभी जो ब्लू प्रिंट है वे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बनाया जाता है। अब मैं एकदम बारीकी से हर चीज को एकदम डिटेल से आपको बताता हूं, आइए सुनिए। तो यहां पर लिखा हुआ पूर्णांक 75। वैसे तो आपके गणित जो परीक्षा है, पेपर है, वो आपको 100 नंबर के लिए पूछता है। इनमें से जो 25 नंबर है ना, वे आपके इंटरनल नंबर होते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल नंबर जिसे आप बोलते हो, जिसे आप असाइनमेंट वर्क बोलते हो, जो कि 25 नंबर के होते हैं। अब उस 25 में आपको कम से कम 23 नंबर आपके जो टीचर हैं वो तो देते ही हैं, कभी कभी 24 या फिर 25 में से 25 नंबर भी दे देते हैं। हमें जो फोकस करना है ना, वो इस 75 नंबर पे। किस पे फोकस करना है? इस 75 नंबर पे हमें फोकस करना है। ये 75 में से 75 नंबर हमें लाना है। तो अब इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? देखिए, तो आपका जो पेपर रहेगा वो 75 नंबर के लिए रहेंगे, और आपके पास जो समय रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय दिया जाएगा? तो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे। तो समय का बच्चों आप एग्जाम हॉल में विशेष रूप से ध्यान देना। कई बच्चे क्या करते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते और उनको समय कम पड़ जाता है। तो आपको ऐसे प्लानिंग करना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा ताकि आप 3 घंटे में पूरा 75 में से 75 अंक ले सके। चलिए अब समझते हैं ब्लू प्रिंट को, आ जाइए। तो यहां पर देखिए विभिन्न प्रकार से आपको कॉलम देखने के लिए मिलेगा। सबसे कॉलम ऊपर में क्या दिया है, संख्या क्रमांक है, जहां पर हमें यूनिट नंबर देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहां पर लिखा हुआ इकाई, मतलब उस इकाई का नाम क्या है। फिर यहां पर दिया हुआ इकाई पर आवंटित अंक, मतलब कि उस पर्टिकुलर यूनिट से कितने नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अंकवार प्रश्न, मतलब कि जो नंबर रहेंगे, जैसे कि यहां पर 20 नंबर, बीजगणित से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेंगे, तो ये जो 20 नंबर है ना वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहेंगे। तो 1 अंक के लिए 2 अंक के लिए 3 अंक के लिए 4 अंक के लिए 5 अंक के लिए 6 अंक के लिए कितने क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इस कॉलम में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपको एक और कॉलम देखने के लिए मिल रहा है, कुल प्रश्न। क्या है? कुल प्रश्न है। अब एक एक करके एक एक यूनिट को हम एकदम बारीकी से डिटेलिंग में समझते हैं, आइए। तो सबसे पहला आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है यूनिट नंबर पहला। उस यूनिट नंबर पहला, इकाई पहला का नाम क्या है? बीजगणित अलजेब्रा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब इस बीजगणित से आपको 20 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाता है। कितना? 20 नंबर के लिए। अब ये 20 नंबर जो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। कैसे डिवाइड है आइए समझते हैं। 1 अंक के लिए 4 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना बच्चों? 1 अंक के लिए 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के लिए भी 2 प्रश्न रहेंगे, और 1 जो प्रश्न रहेगा वो 6 नंबर के लिए रहेगा। तो इस तरह से हमने 20 नंबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करूं, तो यहां पर व्याख्यात्मक प्रश्न, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने मिलेंगे? तो 2, 2 और ये 1, यानी कि 5 आपको व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेंगे, और 4 जो प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां पर बच्चों हमें यह पता चल चुका है कि बीजगणित यूनिट से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये आपका चैप्टर का नाम नहीं है, पहला आपका चैप्टर नहीं बच्चों। आपके अध्याय, आपके जो गणित सब्जेक्ट में 8 यूनिट है और 16 चैप्टर है, तो ये आपका यूनिट है। इस यूनिट में 20 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको केवल यह जानकारी देता है कि इस पर्टिकुलर आपके यूनिट से इतने नंबर के लिए क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यह जानकारी हरगिज नहीं देता कि किस अध्याय से, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, किस चैप्टर से 6 अंकों के लिए प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर से 5 अंकों के लिए प्रश्न आएंगे, ये कोई नहीं बताता है। लेकिन धैर्य रखिए, इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले, स्ट्रेटजी के बारे में जब हम बात करेंगे ना, आपके कक्षा 10वीं विषय गणित के संपूर्ण
पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में जब मैं डिस्कशन करूंगा, वहां पर हर एक चीज को बताऊंगा कि इस अध्याय से एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा से आते आ रहे हैं और एक नंबर के क्वेश्चन भी इस साल देखने के लिए मिलेंगे। तो उससे हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें बड़े प्रश्नों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी अध्याय से आपको केवल एक प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है जो 6 नंबर के लिए आ रहे हैं, तो हम उस अध्याय में छोटे छोटे प्रश्न की तैयारी नहीं करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताने वाला हूं, तो बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे यूनिट पर। तो दूसरा जो हमारा यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब इस यूनिट से आपको 8 नंबर के लिए प्रश्न किया जाएगा। अभी जो 8 नंबर है ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे। आइए कैसे डिवाइड किया देखते हैं। तो एक अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर 2 अंक के लिए 1 प्रश्न रहेगा, फिर 4 अंक के लिए 1 प्रश्न रहेगा। तो मैं अगर बात करूं इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, व्याख्यात्मक प्रश्नों की, तो एक और ये एक 2 प्रश्न मिलेंगे, और 2 प्रश्न जो मिलेंगे वो किसने, ऑब्जेक्टिव एंगर के रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे यूनिट पे। यूनिट नंबर 3, इकाई 3 हमारा क्या है, वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक। तो वाणिज्य गणित से आपको 7 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाता है। अब ये 7 नंबर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, कैसे। तो एक अंक के लिए 2 प्रश्न किए जाएंगे, और एक जो प्रश्न रहेगा वो 5 अंक के लिए रहेगा। 5 अंक के लिए कितना प्रश्न रहेगा, 1 प्रश्न रहेगा। 5 अंक के लिए बस एक ही क्वेश्चन किया जाएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं यहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, व्याख्यात्मक प्रश्न की, तो 1 प्रश्न किया जाएगा, और यहां पर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, ठीक है। चलिए अगले यूनिट में आते हैं। तो यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं, तो उस 4 यूनिट का नाम क्या है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक। तो त्रिकोणमिति से आपको 10 नंबर के लिए प्रश्न किया जाएगा। अब 10 नंबर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। एक अंक के लिए 2 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर के नहीं आता इसमें ना, 5 नंबर के नहीं आता, एक अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, और 2 अंक के लिए 1 प्रश्न पूछा जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 6 अंक के लिए रहेंगे, एक बड़ा प्रश्न रहेगा 6 अंक के लिए रहेंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो 2 रहेंगे, और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव 1 अंक के लिए रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। अगला जो हमारा इकाई है वो है इकाई नंबर 5, और उस इकाई का नाम क्या है, ज्यामिति ज्योमेट्री है। अब इस अध्याय से, इस यूनिट से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक, जिसमें से एक अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, एक अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, 4 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे, और 5 अंक के भी 1 प्रश्न रहेंगे। तो व्याख्यात्मक प्रश्न कितने हुए, 1 और 1 2 हुए, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने हुए, 3 हो गए। तो इस तरह से हमने 5 यूनिट को समझ लिया है, आगे के 3 यूनिट को भी समझ लेते हैं। आइए देखिए, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ 6वां हमारा यूनिट, उस 6वें यूनिट का नाम क्या है, गणितीय कथनों की जांच करना। गणितीय कथनों की जांच करना जो आपका ये यूनिट है ना, इसमें केवल एक ही चैप्टर है, और इसी चैप्टर का नाम क्या है, गणितीय कथनों की जांच करना। यहां से आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें से एक अंक का 1 प्रश्न रहेगा, और 3 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे, 1 प्रश्न मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन 1 हुए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हुए, ये भी एक ही हुआ। फिर अगला हमारा आता है 7वां यूनिट। 7वां यूनिट का नाम क्या है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जिसे हम बोलते हैं। तो मेंसुरेशन से आपको 8 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाएगा। अब जो 8 नंबर है उसमें से एक अंक के लिए केवल 1 प्रश्न किया जाएगा, फिर 3 अंकों के लिए 1 प्रश्न किया जाएगा, और 4 अंकों के लिए भी 1 प्रश्न किया जाएगा। तो व्याख्यात्मक प्रश्न कितने हुए, 1 और 1 2 प्रश्न हुए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने हुए, 1 हुए। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट यूनिट इकाई 8 पर आते हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाता है। अब जो सांख्यिकी है ना, ये सांख्यिकी में भी केवल और केवल एक ही आपका अध्याय आता है, और ये बहुत ज्यादा सरल होता है सांख्यिकी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा, ठीक। तो सांख्यिकी से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देख लिए के लिए
नहीं मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा यूनिट है सांख्यिकी जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बाकी जितने भी यूनिट देखे हमने सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो दो अंक के लिए एक प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न रहेगा चार अंक के लिए। एक प्रश्न कितने अंक के लिए, चार अंक के लिए रहेंगे। तो व्याख्यात्मक प्रश्न एक और एक दो हुए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता। नीचे में एक यहां पर आपको पंक्ति दिख रही है, अब इसको समझते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, योग लिखा हुआ है। अगर मैं सभी इकाइयों के सभी यूनिट के नंबर को मैं जोड़ूंगा तो मिलेंगे 75, मतलब कि 75 नंबर के लिए आपका एग्जाम होने वाला है, गणित विषय होने वाला है, ठीक है। जिसमें से 15 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और वो जो नंबर है एक एक नंबर के लिए रहेंगे। एक एक नंबर के लिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और बच्चों मैं आपको एक बात और यहां पर बता दूं कि 15 जो क्वेश्चन रहेंगे ना, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड रहेंगे। पहले पार्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आपको प्रश्न के साथ साथ चार ऑप्शन भी दिए जाते हैं। उन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होता है, उन सही उत्तर का हमें चयन करना होता है। दूसरे टाइप में क्या होता है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस के किसी एक वर्ड को, बीच के किसी एक वर्ड को गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उस हटाए गए वर्ड की जगह क्या आएगा, यह आपको सॉल्व करके बताना रहता है। तीसरे प्रकार के में क्या होता है, सही जोड़ी मिलाइए। क्या होता है, सही जोड़ी मिलाइए होता है। तो इस तरह से जो 15 प्रश्न है ना, वो आपको तीन पार्ट में डिवाइड करके मिलने वाले हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं दो अंकों के लिए, तो दो अंकों के लिए आपको 5 प्रश्न किया जाएगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएंगे। तो तीन अंकों के लिए आपको 4 प्रश्न किए जाएगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4 × 12 हो जाएंगे। 4 अंकों के लिए 4 प्रश्न किए जाएंगे, 4 × 4 कितने हो जाएंगे, 16 नंबर हो जाएंगे। 5 अंकों के लिए केवल और केवल 2 ही प्रश्न किया जाएगा, 5 × 2 = 10, टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गया। 6 अंकों के लिए आपको 2 क्वेश्चन किए जाएंगे, 6 × 12, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 12 नंबर के हो जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करूं तो 17 × 1 ये हो जाएंगे 18, 18 प्रश्न रहेंगे और टोटल नंबर कितने रहेंगे, 75। और इस 75 में से 75 हमें इस बार लाना ही है, कुछ भी करना लेकिन 75 में से 75 हमें लाना ही है, ये हमें अपना उद्देश्य बनाकर चलना है। तो बच्चों मैंने आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बनाया गया ब्लूप्रिंट को एकदम डिटेल में समझा दिया है, लेकिन अभी मैंने यह नहीं बताया कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर 2 नंबर का आएगा या फिर 3 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर आएगा। तो मैं उसको अगले क्लास में बताने वाला हूं, जहां पर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, अपनी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, हम किस रास्ते में चलेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके और हम कम समय में अच्छे से अच्छा तैयारी कर सके। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। आज की इस क्लास में हमने ब्लूप्रिंट को समझ लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो देखिए बच्चों, आपकी तैयारी कराने के लिए ना केवल मैं नहीं हूं, हमारे साथ साथ हमारी पूरी अभिप्सा टीम आप लोगों की तैयारी के लाने के लिए लग चुकी है। वे सभी के सभी फैकल्टीज टीचर जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी हमारे साथ साथ कम से कम हमारे जितना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, मैं उन सारे फैकल्टीज से आपको मैं मिलाने वाला हूं, एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं कि कौन से हमारे फैकल्टी कौन से आपके सब्जेक्ट को लेने वाले हैं। देखिए उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हमारा एक अभिप्सा करके ऐप भी है, हमारा अभिप्सा ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको अभिप्सा ऐप को सर्च करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। उस अभिप्सा ऐप में हमने कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के संपूर्ण अध्याय को, संपूर्ण आपके सब्जेक्ट को पढ़ाया हुआ है, कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। उस क्लासेस में आपको क्या क्या मिलते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर आप पाएंगे पीडीएफ पाठ्य सामग्री, यानी कि अब आपको पढ़ने के लिए नोट्स के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या क्या मिलने वाली है, माइंड मैप मिलेंगे, वैकल्पिक अभ्यास प्रश्न, मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, व्याख्यात्मक अभ्यास प्रश्न, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, व्यक्तिगत मार्गदर्शन किया जाएगा आप सभी बच्चों लोगों का। साथ ही साथ आपको क्या मिलेंगे इस क्लासेस में, शंका समाधान हेतु सीधे लाइव क्लासेस। अगर किसी भी प्रकार से आपको डाउट रहेंगे हमारे पढ़ाए हुए पर, समझ में नहीं आएगा, तो आप सीधा हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम डाउट क्लास के लिए एक बार लाइव क्लास भी आते हैं, उस क्लास में जुड़कर आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने डाउट्स को
क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे अबिप्सा ऐप के बारे में हुआ, ठीक है। मैं मिलाने वाला था हमारे जितने फैकल्टीज है उन सब लोगों से, तो आइए सबसे हम मिलते हैं। देखिए यहां पर आपको और एक पोस्टर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये है हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर, ये हमारे 8 के 8 टीचर हैं जो आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो कौन से फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले नंबर में हमारे फाउंडर मैम दीपा वर्मा मैम, जो कि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, जो कि वो एक कैरियर काउंसलर भी है, आपको कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान को अच्छे से डील करने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे छाया प्रतिभा खलवार मैम, जो कि आपको 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान को पढ़ाने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे हिमांशु सोनी जी, जो कि आपको गणित सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, कक्षा 12वीं के मैथ्स को सर पढ़ाने वाले हैं, आपको जरा से भी कहीं भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक। फिर आते हैं हमारे अभिनव तो सांसु पांडे सर जी, जो कि आपको भौतिक शास्त्र पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाएंगे? कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र को पढ़ाने वाले, अच्छे से डील करने वाले हैं। फिर आते हैं टकेश्वर साहू, यानी कि मैं ही आता हूं, मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाऊंगा, एकदम मैं आपको समझा समझा के पढ़ाऊंगा, आपको एक नंबर भी आपके मैं एग्जाम में कटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी आप लोगों से, ठीक है। तो हम कक्षा 10वीं विषय गणित को मैं पढ़ाने वाला हूं। फिर आते हैं हमारे नरमेश निशास्त्र जी, जो आपको कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के ये सर जो है वो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे लोकेश विश्वकर्मा सर जी, जो कि आपको कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र को पढ़ाने वाले हैं। फिर अगला हमारे आते हैं हरीश साहू सर जी, जो आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय को पढ़ाने वाले हैं। तो ये हमारे 8 टीचर हैं, 8 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग आपको क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो बस बच्चों जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जितना जी तोड़ मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उतना ही मेहनत आपको भी करना है, और इस बार आपको टॉप करके दिखाना है, टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने घर का नाम रोशन करना है, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे गाँव का, पूरे समाज का, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करना है। तो बस इस बार में टॉपर बनना है, ठीक। चलिए ये तो पूरे हमारे फैकल्टी मेंबर हो चुके हैं, ठीक है बच्चों, मैंने हर एक चीज आपको समझा दिया। तो आज की इस क्लास में हमने स्टार्ट कर चुके हैं अपने मिशन 2023, बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटेजी पर, प्लानिंग पर बात करेंगे, अपने सिलेबस पर बात करेंगे, पाठ्यक्रम पर बात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही था, मैंने आपको ब्लू प्रिंट को समझा दिया है और हमारा जो मोटो रहने वाला है इसको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटेजी पर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।